हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिश्रा जी इंडियन ब्लॉग। आप सभी को हमारे इस न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके भी घर में आपके बच्चे अगर फल फ्रूट नहीं खाए तो आपको मैं बहुत अच्छा ट्रिक बताने जा रही हूँ आज। इस ट्रिक से ना आपके बच्चे तो क्या बड़े भी और जो नहीं खाते होंगे फल फ्रूट वो भी खाएंगे। तो मैंने आज क्या किया, फ्रिज में से जितनी भी फ्रिज में मैं सब्जी ला के रख देती हूँ और जितनी भी फ्रूट्स हमारे फ्रिज में रहता है ना, और कोई भी खाने पीने की चीज़ें जो भी फ्रूट फ्रिज में चली गई तो बस समझ लीजिए कि बच्चे कोई भी उसमें हाथ नहीं डालना है, कोई किसी का भी हाथ उसमें जाएगा नहीं, और खाना तो दूर की बात है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, हर रोज़ उस चीज़ को ला के फल फ्रूट और या खाने पीने की जो भी चीज़ होती है जो ख़राब नहीं होती है उसको फ्रिज के सामने रख देती हूँ, फ्रिज के ऊपर धो के रख देती हूँ, सामने में रख दिया करिए। वहाँ से बच्चे ना आते जाते, बड़े भी बच्चे भी मतलब उठा उठा के खाते जाएंगे, तो मैं तो ऐसे ही कर देती हूँ। ये होगा कि नज़र पड़ेगी और जब भी नज़र पड़ेगी तो इसमें से एक उठा के खाया जा सकता है। तो ये टिक्स ना देखिएगा, शाम तक ये गाजर ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी हमारी। ये देखिए इस तरह से मैंने धो के अच्छे से प्लेट में रख दिया है, तो शाम होते होते ना ये गाजर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए हमारा बर्तन है, इतना सारा भरा हुआ बर्तन है, और इसको धोने के लिए मैंने बिल्कुल आपका हाथ पानी से टच ना करें उसके लिए हमने हाथों में देखिए इस तरह से पन्नी बांध सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से पन्नी बांध सकते हैं, अगर आपके पास अगर कोई ग्लव्स हैं तो ग्लव्स बांध सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे गर्म पानी इन बर्तनों में, तो पहले मैं गर्म पानी डाल लेती हूँ और ये मैं सारे बर्तन पे डाल दूँगी, तो ये जो बर्तन जो है हमारा वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा और इसमें जो ठंडे पानी है वो भी गर्म हो जाएंगे। तो इसमें मैं अच्छे से डाल देती हूँ और ये पानी जो है हमारा गर्म हो चुका है, बर्तन भी गर्म हो चुका है, पानी भी गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसको बिना पानी को टच किए हुए अपने हाथों से बर्तन को दिखा देती हूँ धो के। तो ऐसे मौसम में पानी बहुत ठंडा होता है जिसे छूने का बिल्कुल मन नहीं करता और बर्तन धोने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता। तो आप इस तरह से इस तरह के ट्रिक इस्तेमाल करके ना बर्तन धो सकते हो ठंडी में, जो हाथ फट जाते हैं खुरखुरे से हो जाते हैं तो उस तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो मैं आइए आपको मैं बर्तन धो के दिखाती हूँ। देखिए सारे बर्तन हमारे धो चुके हैं और करके हमने सारे बर्तन धो लिए हैं, एक एक करके बर्तन हमने धो लिए हैं और देखिए कितने साफ सुथरे बर्तन हो गए हमारे। तो फ्रेंड्स ये देखिए बर्तन सारे हमारे धुल गए हैं और इसी से हम अच्छे से ये साफ कर लेंगे, सिंक भी साफ कर देंगे इस तरह से। ये देखिए है ना बहुत मज़ेदार ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स हमारे सारे साफ सुथरा से धुल गए हैं और ये देखिए अब मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, सकते हैं हाथ बिल्कुल साफ या ना ही गीला हुआ है, हाथ बिल्कुल सूखा हुआ है। तो इस तरह से आप भी अपने हाथ को सुंदर बना सकते हैं। प्याज के पत्ते हैं तो इसको अच्छे से हमने साफ कर लिया है और मैं अब इसको इस तरह से काट, मैं बना रही हूँ प्याज की सब्जी। और अभी बज रहे हैं 11:30, रात के 11:30 बज रहे हैं। बनाऊँगी प्याज के पत्ते की पकौड़े, तो बहुत खाए होंगे आपने, लेकिन सब्जी भी इसकी बहुत ही अच्छी बनती है तो मैं उसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ, प्याज के पत्ते की सब्जी बनाने जा रही हूँ। सुबह 5 बजे ये जाएंगे मेरे हस्बैंड, तो फिर सुबह में उठना और सब्जी बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो खाते पीते हम लोगों का 1:30 बज जाएगा, तो पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो पहले आइए जल्दी जल्दी सब्जी बना लेती हूँ। कढ़ाई जो है हमारा गर्म हो चुका है और हमने इसमें तेल डाल दिया है, तो डाल दूँगी इसमें जीरा डाल दूँगी, ये है हमारा लहसुन, तो ये भी हो गया फ्राई। और मैं अब डाल दूँगी प्याज, प्याज को ना हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमें आलू भी फ्राई करनी है,
तो प्याज को मैं अभी कच्चा ही रखूंगी और या डाल दी मैंने आलू। तो स्वेटर मैंने खोल लिया है, ठीक है ना। जब मैं बाहर से आई थी तो ठंड सी लग रही थी और यहाँ पे आके ना किचन में गर्मी सी लग रही थी, तो मैंने स्वेटर खोल लिया। तो फ्रेंड्स, आलू जो है हमारा फ्राई हो चुका है और ये ले लिए हैं हमने हल्दी, धनिया, नमक और मिर्ची पाउडर। तो ये मैं सूखे मसाला इसमें डाल देती हूँ। हरी प्याज इसको हमने धो लिया है अच्छे से और अब मैं इसमें डाल दी हरी मटर, यही मैं इसमें डाल दूँगी। तो मैं ना इसको एक प्लेट से ढक देती हूँ, तब तक ये ना मसाला भी पकेगी हमारी और सब्जी भी अच्छे से पक जाएगी। और ये जिसमें मैं डाल दूँगी टमाटर, मैं एक टमाटर डाल दी। खाना पीना खाते खाते हम लोगों को एक डेढ़ बज जाएगा, तो देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, मीठी बहुत अच्छी लग रही है सब्जी। तो आप लोग भी ट्राई करना। डालूंगी थोड़ा सा इसमें पानी, मैं चाहती इसमें अब पानी नहीं भी डालूं, लेकिन इसके पापा को ना थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है, इस वजह से ना पानी डालना पड़ा मुझे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से 10 से 15 मिनट तक पकने दूंगी। तो मैं इसको अभी ढक देती हूँ और ये 10 से 15 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पे इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी, ताकि हमारी मसाला भी और सब्जी भी दोनों अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो गए और ये जो हमारी सब्जी है एकदम देखिए बनके तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ क्योंकि हमारी सब्जी जो है बनके तैयार हो चुकी है। तो मैं गैस को करती हूँ ऑफ और हरा धनिया डाल देती हूँ इसमें। तो ये ले लिया मैंने धनिया थोड़ा सा कटा हुआ, इसको काट लेती हूँ मैं। हमारी बन गई है। अब हमें इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। धनिया को ना मैंने पहले से धो के रख दिया था, इसलिए अभी धोऊंगी नहीं। देखिए सब्जी हमारा बनके तैयार हो गया। हमारी जो है सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ क्योंकि भूख बड़ी तेज की लग गई हुई है। तो खाना खा के अब मैं अब कुछ नहीं करूँगी क्योंकि थक के बिल्कुल चूर हो गई मैं, अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो आइए चलते पहले कुछ खा लेते हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा इसी भी वजह से, आपको ये मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना चैनल से, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और मिलते हैं ऐसे ही नए और अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, गुड नाइट।